नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत, ओलंपिक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि डिजिटल प्रोटेस्ट चल रहा है और ये प्रोटेस्ट है आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबी 2 एग्ज़ाम प्लस ग्रुप डी के नोटिफिकेशन से संबंधित, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 2 से 3 साल होने को है, अभी तक रेलवे की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है एग्ज़ाम करवाने के लिए। तो इसी से संबंधित टीचर्स की मीटिंग चल रही थी, काफ़ी टाइम से सभी लोग टीचर्स इकट्ठे हो रहे थे और बातचीत चल रही थी कि कब ये डेट डिसाइड किया जाए। तो वो आपका फाइनली डेट डिसाइड हुआ है 1 दिसंबर 11 बजे। हालांकि ये वीडियो मैं थोड़ा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि समय नहीं मिला मुझे, तो अभी मुझे ज्ञात हुआ कि ये वीडियो को अपलोड करना चाहिए, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य बस इतना सा है कि आप लोगों में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो लोग पेट का फॉर्म नहीं डाल पाए थे, वो भी मेरे चैनल पर ऐड हैं, तो उनके लिए भी ये मौका है कि वो लोग ग्रुप डी के एग्ज़ाम की मांग करें और अपना बेस्ट वहाँ पे दे पाएँ। हालांकि वो पढ़ने में सही थे, लेकिन किसी कारणवश सर्वर डाउन हो गया, बाद में वो पेट का फॉर्म नहीं डाल पाए थे। तो आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इस प्रोटेस्ट में भाग लें और नोटिफिकेशन की मांग करें, जल्द से जल्द आपका नोटिफिकेशन आपके सामने होगा। और दूसरी चीज़ ये है, दूसरी बात आप लोगों से ये बतानी है कि जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और जिनको लगता है कि आपके 50 मार्क्स से कम है, जिन बच्चों के 50 मार्क्स से कम नंबर आया है, वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें, अपने दोस्तों को बताएं, फ्रेंड्स को बताएं, फैमिली को बताएं कि वो लोग भी इसमें सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें, ताकि ये नोटिफिकेशन आ जाए। और आप लोगों का अगर लेखपाल के एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इस एग्ज़ाम के पद के लिए सिलेक्शन नहीं हो रहा है एग्ज़ाम देने के लिए, तो एटलीस्ट आप लोग ग्रुप डी पे फोकस कर सकें, सीबीटी 2 पे फोकस कर सकें। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं डाला था, पेट का छूट गया था, वो लोग भी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करें, ग्रुप डी के एग्ज़ाम की मांग करें, और जिन लोगों को लगता है कि 55 पे या फिर उनका नहीं हो पाएगा आगे के एग्ज़ाम के लिए, वो लोग भी ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी मांग रखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, सो ट्वीट पे ट्वीट होना चाहिए, आप लोग रुक रुक के जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं बड़े चैनल के द्वारा, उनको आप फॉलो करते रहिए। मुझे पता है कि अभी मेरा छोटा चैनल है तो उस बेसिस पे बहुत सारे लोग नहीं देखने वाले हैं, लेकिन जो भी बड़े चैनल हैं उनको आप फॉलो कीजिए, जो डेडिकेटली इस पर काम कर रहे हैं, जैसे एग्जामपुर हो गया और भी कई सारे चैनल हैं, उनको आप फॉलो कीजिए, वहाँ पे बराबर आपको गाइड किया जा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है फिलहाल। ठीक है, सो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद।